अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल परफॉर्म अ प्रैक्टिकल ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम एंड बाय यूजिंग मल्टी सिम वी विल वेरीफाई दिस नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम में होता क्या है, कोई भी जिस तरह हमारे पास सर्किट है उस सर्किट को हम जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल सर्किट में बाय रिप्लेसिंग बैटरी सोर्स विथ अ करंट सोर्स। उसको हम नॉर्टन जो है वो करंट कहते हैं, और इन पैरेलल जो है वो हम नॉर्टन जो है वो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, दोनों को पैरेलल में लगा के और उसके बाद लोड रेजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं। मींस ओवरऑल यहाँ पर भी तीन एलिमेंट्स होंगे, एक नॉर्टन करंट होगा और एक नॉर्टन रेजिस्टेंस होंगे, दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे एंड देन जो है लोड रेजिस्टर जो है वो कनेक्टेड होगा। देन हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ वेरियस रेजिस्टर्स, मींस 10 रेजिस्टर्स हैं, 15 रेजिस्टर्स हैं और 20 रेजिस्टर्स हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उस 20 रेजिस्टर्स को हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम नॉर्टन रेजिस्टेंस कहते हैं। और प्रोसीजर वही सेम है जिस तरह हमने थेवनन में फाइंड आउट किया था थेवनन रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पर भी नॉर्टन रेजिस्टेंस को उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे एंड देन जो है वो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम रिड्यूस कर देंगे। एक नॉर्टन करंट सोर्स होगा हमारे पास और एक जो है वो नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा और एक पैरेलल में लोड रेजिस्टर होगा। सो स्टेप्स हम देख लेते हैं दोबारा से कि किस तरह से स्टेप्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये सर्किट है, इस सर्किट को अगर हम नॉर्टन थ्योरम्स के थ्रू जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले हमने लोड रेजिस्टर को रिमूव करना है, ये हमारे पास RL जो है लोड रेजिस्टर लगा हुआ है। लोड रेजिस्टर की पोजीशन कोई भी हो सकती है, यहाँ पर भी लोड रेजिस्टर हो सकता है, यहाँ पर भी लोड रेजिस्टर हो सकता है या यहाँ पर भी लोड रेजिस्टर हो सकता है। लोड रेजिस्टर के थ्रू ही जो है वो हमने करंट फाइंड आउट करना होता है या लोड रेजिस्टर के अक्रॉस ही हमने वोल्टेजेस फाइंड आउट करने होते हैं। तो जो भी लोड रेजिस्टर है, आपको बताया गया है कि दिस इज़ बेसिकली लोड रेजिस्टर, उस लोड रेजिस्टर को आप रिमूव कर दें। रिमूव लोड रेजिस्टर, ये यहाँ पे देखें तो सर्किट से हमने लोड रेजिस्टर को रिमूव कर दिया है। देन रिप्लेस आइडियल वोल्टेज सोर्स विथ अ शॉर्ट वायर। अगर वोल्टेज सोर्स है हमारे पास तो उसको आइडियल अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कंसिडर करेंगे तो उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, बट अगर आइडियल हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो जीरो रेजिस्टेंस से रिप्लेस होता है। मींस शॉर्ट वायर के साथ हम इसको बैटरी सोर्स को रिप्लेस कर देंगे। अगर करंट सोर्स है, रिप्लेस आइडियल करंट सोर्स विथ एन ओपन टर्मिनल के साथ हम उसको रिप्लेस कर देंगे, बट क्योंकि अभी हमारे पास वोल्टेज सोर्स है सो वी विल रिप्लेस दिस वोल्टेज सोर्स विथ अ शॉर्ट वायर। देन फाइंड नॉर्टन रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल फ्रॉम वेयर लोड इज रिमूव। जहाँ से हमने लोड को रिमूव किया है, यहाँ से हमने लोड को रिमूव किया था, इन दो टर्मिनल्स को हमने यूज़ करते हुए यहाँ से हम देखेंगे रेजिस्टेंस के ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस इन दो टर्मिनल्स से देखें तो क्या बनती है। सो दिस विल बी नॉर्टन रेजिस्टेंस। और अगर नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से करेंगे, वो पूरा एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर हम कैलकुलेशंस भी देखेंगे और किस तरह से हम एनालाइज करते हैं सर्किट को नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, वो भी देखेंगे। देन नॉर्टन रेजिस्टेंस जब हमने फाइंड आउट कर ली, देन वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्टन करंट। और ये नॉर्टन करंट इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि जो हमने बैटरी सोर्स पहले रिप्लेस की थी विद अ शॉर्ट वायर, देन वी विल कनेक्ट दिस बैटरी सोर्स अगेन। जहाँ पर बैटरी सोर्स लगी हुई थी वहाँ पर ही बैटरी सोर्स को लगा देंगे। जो लोड रेजिस्टर था वो रिमूव्ड ही रहेगा, बट इन दो पॉइंट्स जो लेट सपोज हम इन पॉइंट्स को ए और बी पॉइंट्स कह देते हैं, इनको हम शॉर्ट करके इस शॉर्ट पाथ से जो करंट गुजर रहा है उस करंट को फाइंड आउट करेंगे एंड दैट करंट इज़ कॉल्ड बेसिकली नॉर्टन करंट। सो फॉर नॉर्टन करंट कनेक्ट द बैटरी अगेन। बैटरी को दोबारा से कनेक्ट करेंगे इन द सर्किट सर्किट के अंदर एंड फाइंड करंट थ्रू सर्किट फाइंड करंट थ्रू सर्किट थ्रू पॉइंट्स ऑफ रिमूव लोड। मींस जहां से लोड रिमूव किया था उन पॉइंट्स से करंट फाइंड आउट करेंगे उन पॉइंट्स के थ्रू जो हमने शॉर्ट वायर लगाई है। शॉर्ट वायर में से जो भी करंट गुजर रहा होगा वो करंट फाइंड आउट कर लेंगे, देन दैट करंट विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्टन करंट। नाउ रिड्यूस द सर्किट टू नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट।
अब क्योंकि हमारे पास नॉर्टन रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट कर ली, वो भी है, और नॉर्टन करंट भी फाइंड आउट कर लिया, वो भी है, देन वी विल जस्ट कनेक्ट दिस नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, तो ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब जो भी लोड रेजिस्टर था हमारे पास, उस लोड रेजिस्टर को भी कनेक्ट कर लेंगे। तो जब लोड रेजिस्टर को कनेक्ट कर लेंगे, मतलब ये हुआ कि अब हम इस लोड रेजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग CDR। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, करंट सोर्स लगा हुआ है, ये करंट सोर्स अगर हम इसको कह लें कि ये टोटल करंट है, नाउ दिस टोटल करंट विल बी डिवाइडेड इनटू दिस रेजिस्टर एंड इनटू दिस रेजिस्टर, मींस जो टोटल करंट था वो यहाँ भी डिवाइड हो गया, नॉर्टन रेजिस्टेंस से भी फ्लो होगा करंट और लोड रेजिस्टर से भी फ्लो होगा, बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द लोड करंट। सो यहाँ पर CDR लगा के हम इस लोड रेजिस्टर का जो करंट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो दीज आर द सिंपल स्टेप्स कि हमने किस तरह से नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में किसी भी सर्किट को किस तरह से कन्वर्ट करना है। व्हाट आर द स्टेप्स, ये हमने डिस्कस किए कि स्टेप्स क्या होने चाहिए, और स्टेप्स होने के बाद फिर इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्टन का किस तरह से बनेगा। सो वी डिस्कस दिस। अब हम आते हैं कि कोई भी हमारे पास सर्किट, हम अपनी मर्जी का एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं, किस तरह से इस ओवरऑल कंप्लीट सर्किट को, नॉर्टन सर्किट को, ओवरऑल कंप्लीट सर्किट जो हमें मिला हुआ है उसको नॉर्टन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट सपोज वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स सर्किट, लेट सपोज दिस इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स, बस बट इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम किस तरह से नॉर्टन सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टेप्स वही हैं। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट वी हैव वी विल फाइंड नॉर्टन रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या था, स्टेप क्या था कि हमने लोड रेजिस्टर को रिमूव करना है। तो हमने लोड रेजिस्टर को रिमूव कर दिया और ओपन टर्मिनल्स यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिए। अब लेट सपोज इन ओपन टर्मिनल्स का जो हम नाम दे देते हैं, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। सो टर्मिनल ए और बी पे जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहला स्टेप तो ये था कि लोड रेजिस्टर को रिमूव कर दें। चलिए, लोड रेजिस्टर को रिमूव करने के बाद फिर हमने क्या करना है, अगर तो वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस करेंगे विथ अ शॉर्ट वायर, अगर हमारे पास आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो इस वोल्टेज सोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया विथ अ शॉर्ट वायर। बाकी का सर्किट सेम है, 10 ओम का रेजिस्टर, 10 ओम का रेजिस्टर एंड 5 ओम का रेजिस्टर। नाउ वी विल कैलकुलेट नॉर्टन रेजिस्टेंस एट दिस टर्मिनल्स, मीन्स टर्मिनल ए और बी पे जो भी रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे और इसका नाम होगा नॉर्टन रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। सो नॉर्टन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ से देखें, दिस रेजिस्टर इज इन सीरीज, अगर यहाँ से करंट फ्लो हो तो ये रेजिस्टर सीरीज में आएगा और उसके बाद करंट डिवाइड होगा इस रेजिस्टर में और इस रेजिस्टर में। मीन्स वी कैन से दैट दीज बोथ रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेजिस्टर इज इन सीरीज विद दिस रेजिस्टर। ठीक हो गया। सो RN विल बी इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड विथ 10, ये दोनों रेजिस्टर जो है पैरेलल में, पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। सो 10 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 10 एंड देन डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10। यही हमारे पास प्रोसीजर होता है अगर हमारे पास कोई भी दो रेजिस्टर्स हैं उनकी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली न्यूमरेटर में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा तो हम कहेंगे कि इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये आंसर है। देन वी विल गेट 5 ओवर हेयर, इन दोनों को सॉल्व किया तो वी विल गेट 5 एंड देन 5 और ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 10 ओम। मीन्स जो नॉर्टन रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई
वो 10 ओम आ गई। सो द प्रोसीजर इज सेम एज कम्पेयर टू, अगर हम देखें कि जो थेवेनन रेजिस्टर था, थेवेनन थ्योरम था, थेवेनन थ्योरम का जो थेवेनन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है, और नॉर्टन थ्योरम का जो नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है, वो था सेम। उसमें भी यही करते थे, लोड रेजिस्टर को रिमूव करते थे। लोड रेजिस्टर को रिमूव करने के बाद लेट सपोज टर्मिनल्स हमने मेंशन कर दिए, टर्मिनल मेंशन करने के बाद अगर तो वोल्टेज सोर्स होता था तो हम शॉर्ट कर देते थे, और अगर करंट सोर्स होता था तो हमें ओपन करना पड़ेगा। मींस प्रोसीजर इज सेम टू फाइंड आउट द नॉर्टन रेजिस्टेंस, बट वहाँ पर हम नॉर्टन करंट फाइंड आउट नहीं करते थे, या हम कह लें कि थेवनन करंट फाइंड आउट नहीं करते थे, थेवनन वोल्टेज फाइंड आउट करते थे। सो जो नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने का प्रोसीजर होगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम थेवनन वोल्टेज। ओके, अब नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ वी विल फाइंड नॉर्टन करंट। सो नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस सर्किट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और क्योंकि हमने जो करंट फाइंड आउट करना है वो ये वाला करंट फाइंड आउट करना है IN, ये सेम करंट होगा जो 5 ओम से जो है वो करंट फ्लो हो रहा होगा। सो बेसिकली हमने 5 ओम वाले रेजिस्टर से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें टोटल करंट चाहिए। अगर हम CDR अप्लाई करते हैं तो हम CDR ही अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द टोटल करंट। टोटल करंट फाइंड आउट करने के बाद फिर हम जो है वो CDR लगाएंगे, देन वी विल गेट दिस नॉर्टन करंट। सो ये हमारे पास सर्किट है। इस सर्किट को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम चले हैं, क्योंकि बैटरी इस रेजिस्टर के साथ सीरीज में लगी हुई है, सो दिस रेजिस्टर विल बी इन सीरीज, बट यहाँ से जब करंट टोटल करंट आया तो टोटल करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। मींस ये दोनों रेजिस्टर्स, 5 ओम का रेजिस्टर और 10 ओम का रेजिस्टर, ये दोनों जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों को हम पैरेलली सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो 5 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 10 एंड देन डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, और उसके बाद इन दोनों का जो भी इक्विवेलेंट जो है वो रेजिस्टेंस आएगा, दैट विल बी एडेड इन 10। तो उसके बाद जो है ओवरऑल हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो यहाँ पर जो आंसर आया था 5 × 10 / 5 + 10 का, दैट वाज 0.33 ओम। तो 3.33 ओम, तो 3.33 ओम को ऐड कर देंगे 10 में, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 13.33 ओम। सो आर इक्विवेलेंट हमें चाहिए था, हमने फाइंड आउट कर लिया। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बाद हम टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वी हैव वोल्टेज सोर्स, मीन्स टोटल वोल्टेज आर सोर्स वोल्टेज। सो ओम्स लॉ अप्लाई करके IT विल बी इक्वल्स टू VT डिवाइडेड बाय RT आर आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हमने यही किया है, I इज इक्वल टू V बाय R किया है, मीन्स IT इक्वल्स टू VS डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। तो VS ये 10 ओहम है, या VT जो है वो 10 ओहम है, और R इक्विवेलेंट जो है 13.33 आया है हमारे पास। सो IT विल बी इक्वल्स टू 0.75 एम्पेयर। 0.75 आ गया हमारे पास IT। अब IT फाइंड आउट जब हमने कर लिया तो अब हम CDR अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टोटल करंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। टोटल करंट इस रेजिस्टर से सेम रहेगा। अब ये करंट 0.75 डिवाइड होगा इस 10 ओम के रेजिस्टर में और 5 ओम के रेजिस्टर में। सो 0.75 अगर हम CDR अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, दो रेजिस्टर्स हमारे पास होते हैं पैरेलल में कनेक्टेड, क्योंकि CDR हमेशा पैरेलल सर्किट्स पे अप्लाई होता है। तो जो जिस रेजिस्टर के थ्रू हमने करंट फाइंड आउट करना है, उससे अपोजिट रेजिस्टर हम अपर साइड पे मींस न्यूमरेटर में रखते हैं, और देन दोनों रेजिस्टर्स को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। सो टोटल करंट वाज 0.75। सो 0.75 टोटल करंट मल्टीप्लाइड विथ अपोजिट रेजिस्टर, क्योंकि हमने करंट फाइंड आउट करना है 5 ओम के रेजिस्टर से, तो इसका अपोजिट रेजिस्टर 10 ओम बनता है। सो 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 10
एंड देन डिवाइडेड बाय ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं इनका हम एडिशन ले लेंगे डिनोमिनेटर में. सो 5 + 10 कर लेंगे. आई एन विल बी इक्वल्स टू 0.5 एम्पेयर. आई एन जो आया हमारे पास 0.5 एम्पेयर आ गया. अब 0.5 एम्पेयर आई एन भी आ गया और आर एन भी है हमारे पास. मीन्स हमारे पास नॉर्टन रेजिस्टेंस भी है और हमारे पास नॉर्टन करंट भी है. नाउ वी कैन रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स सर्किट इनटू इक्विवेलेंट ऑफ नॉर्टन सर्किट. तो नॉर्टन सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं. नॉर्टन करंट होता है, नॉर्टन रेजिस्टेंस होते हैं और दोनों जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं. ठीक है, नॉर्टन करंट भी और नॉर्टन रेजिस्टेंस भी दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे. तो ये जो है हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया यहाँ तक. ठीक है, देन हमने लोड रेजिस्टर भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया क्योंकि लोड रेजिस्टर को भी लास्ट में हमने कनेक्ट करना होता है. क्योंकि बेसिक जो हमारा फंक्शन है वो यही है कि हमने लोड रेजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है. सो नॉर्टन करंट वाज 0.5 एम्पेयर. हमने यहाँ पे 0.5 एम्पेयर इंडिकेट कर दिया कि 0.5 एम्पेयर हमारा नॉर्टन करंट है. एंड द नॉर्टन रेजिस्टेंस वाज 10 ओम. सो यहाँ पर हमने नॉर्टन रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दी एंड बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. मींस नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. एंड देन उसके बाद हमने लोड रेजिस्टर भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया 10 ओम का. अब हम क्या करेंगे, अगेन हम CDR अप्लाई करेंगे. CDR अप्लाई करने के बाद जो है वो हम लोड रेजिस्टर से जो करंट फाइंड आउट फ्लो हो रहा है करंट लोड रेजिस्टर से वो फाइंड आउट करेंगे. सो बाय अप्लाइंग CDR फाइंड करंट थ्रू लोड रेजिस्टर. CDR अप्लाई करके हम करंट फाइंड आउट करेंगे लोड रेजिस्टर से. सो IRL विल बी इक्वल्स टू, ये तो टोटल करंट है 0.5 एम्पेयर टोटल करंट है. सो दिस टोटल करंट विल बी मल्टीप्लाइड विथ अपोजिट ऑफ दिस रेजिस्टर. इस रेजिस्टर का, लोड रेजिस्टर का अपोजिट रेजिस्टर कौन सा है, ये वाला. ठीक है, ये वाला अपोजिट रेजिस्टर है. तो ये हम वैल्यू रखेंगे. मीन्स 0.5 मल्टीप्लाइड विथ 10 एंड देन जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टर्स ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों का एडिशन ले लेंगे. सो वी विल गेट लोड करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर. तो ये लोड रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आ गया. अगेन इफ वी वांट टू फाइंड आउट लोड वोल्टेजेस, के लोड वोल्टेजेस क्या हैं, तो लोड वोल्टेजेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, VRL विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मींस वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टर. 0.25 जो हमारा करंट आया है, मींस हम सिंपली ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे 0.25 एंड मल्टीप्लाइड विथ 10 ओम रेजिस्टर. सो वी विल गेट 2.5 वोल्ट. ओके, सो 2.5 वोल्ट्स आ जाएंगे अगर हमने लोड रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है. करंट ऑलरेडी था हमारे पास, सिंपली हमने ओम्स लॉ अप्लाई करके वी इज इक्वल टू आई आर किया है. हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, करंट की वैल्यू भी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है. सो इस तरह से हम जो है वो करंट भी लोड रेजिस्टर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं और वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हमने देख लिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट में कितने भी रेजिस्टर्स हो सकते हैं, मे बी 10 हो सकते हैं, 20, 30, 40 और वट एवर, जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको हम एक रेजिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसको हम कहते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस. और नॉर्टन रेजिस्टेंस के बाद फिर जो बैटरी सोर्स होता है, उस बैटरी सोर्स की बजाय हम एक नॉर्टन करंट फाइंड आउट करते हैं. उस नॉर्टन करंट को और जो हमने नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट की है दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा. और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, एक नॉर्टन करंट सोर्स होगा और एक नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा जो कि एक सिंगल रेजिस्टर होगा. मींस हमने एक बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिड्यूस कर दिया जस्ट इन टू कंपोनेंट्स, और वो टू कंपोनेंट्स करंट सोर्स और रेजिस्टर होगा सिंगल. तो उन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा.
एंड देन लोड रजिस्टर जिसके थ्रू हमने करंट फाइंड आउट करना है वो कनेक्ट कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें कनेक्ट करने के बाद हम लोड रजिस्टर से इजीली करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और हमारी कैलकुलेशंस रिड्यूस हो जाएंगी, तो हमें इतनी ज़्यादा जो है वो एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉर्टन थ्योरम, और अब हम इसको वेरीफाई करेंगे मल्टी सिम पे सर्किट को इम्प्लीमेंट करके। ओके, मल्टी सिम का जीयूआई हम ओपन कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ जी यू आई ऑफ मल्टी सिम। अब हम सर्किट जो हमारा मेन सर्किट है जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है वो सर्किट यहाँ पे देख लेते हैं। जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, हम दोनों सर्किट्स जो है वो यहाँ पे ड्रा करेंगे, और दोनों सर्किट ड्रा करने के बाद फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि सबसे पहले हम ये वाला सर्किट इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ये सर्किट हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इस रजिस्टर से जो करंट फ्लो होगा वो फाइंड आउट करेंगे। ये सर्किट जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमने कोई नॉर्टन थ्योरम जो है अप्लाई नहीं किया, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हमने नहीं बनाया। ये सिंपल सर्किट है, सबसे पहले इस सिंपल सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद इस लोड रजिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो और इस सिंपल सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम होंगे तो हमारी कैलकुलेशन भी वैलिड होगी और हम कहेंगे कि नॉर्टन थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गया है, क्योंकि ये एग्जैक्ट सर्किट है। इस एग्जैक्ट सर्किट से करंट फाइंड आउट करेंगे और फिर हम नॉर्टन जो हमने अभी नॉर्टन सर्किट बनाया है उस नॉर्टन सर्किट के थ्रू करंट फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों के करंट जो लोड करंट है दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है तो हम कहेंगे कि नॉर्टन थ्योरम इज़ वेरीफाइड। ओके, सबसे पहले ये सर्किट हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे प्लेस सोर्स में, प्लेस सोर्स के बाद डीसी पावर में, डीसी पावर सोर्स हम सिलेक्ट कर लेंगे। डीसी पावर सोर्स हमने सिलेक्ट कर लिया और हमें चार रेजिस्टर्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम एंड 10 ओम। तो रेजिस्टर्स में चलते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स या प्लेस बेसिक पे आएँ, प्लेस बेसिक पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर से ऑलरेडी रजिस्टर सिलेक्टेड है, ओके करें। सो एक रजिस्टर एंड देन सेकंड रजिस्टर एंड देन थर्ड रजिस्टर एंड देन फोर्थ रजिस्टर। तो चार रजिस्टर्स हमें रिक्वायर्ड थे और हमने चारों रजिस्टर यहाँ पे जो है वो अवेलेबल कर लिए हैं। देन इसको रोटेट कर लें, राइट क्लिक करेंगे, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट करना है और इसको आप यहाँ पे ले आए। एंड देन ये लोड रेजिस्टर है तो इसको भी रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री। सो दिस इज़ एक्चुअल सर्किट जो हमने एक्चुअल सर्किट वहाँ पे देखा था उसी को हम सिमुलेट कर रहे हैं सबसे पहले, देन वी विल सिमुलेट नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। देन हमें ग्राउंड भी रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ पे आएंगे ग्राउंड पे, ओके करेंगे। ये भी सिलेक्ट कर लिया हमने, अब इसको सर्किट में कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड को। सो एवरीथिंग इज़ फाइन, बट अभी हमें इनकी वैल्यूज़ जो है वो अपडेट करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू अवर सर्किट। सो 10 वोल्ट जो है वो यहाँ पे हैं तो 12 वोल्ट की बैटरी को यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो इसको 10 वोल्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। दिस इज ऑल्सो 10 ओम और ये जो है 5 ओम का रजिस्टर है,
रेजिस्टर है ये भी 10 ओहम का है, बिकॉज दिस इज लोड रेजिस्टर। अगर हम इसका लेवल चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, तो आप आर एल कह सकते हैं। ओके, मैंने आर एल कर दिया, तो दिस इज़ आर एल। और अब हमें इस आर एल में से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। सो वी विल सेलेक्ट अ मल्टीमीटर फ्रॉम हेयर, यहाँ से मल्टीमीटर हमने सेलेक्ट कर लिया। और क्योंकि जो भी एमीटर हम कनेक्ट करते हैं वो जिस रेजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है उस रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को ब्रेक करेंगे, देन पॉजिटिव ऑफ दिस एमीटर विल बी कनेक्टेड विथ दिस टर्मिनल एंड नेगेटिव। नेगेटिव क्यों कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि बैटरी का जो नेगेटिव है वो यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे, और ग्राउंड भी यहाँ पर ही कनेक्टेड है। सो नाउ वी विल सिमुलेट दिस सर्किट एंड वी विल से कि जी हमारा आंसर क्या आता है। ओके, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, एम्पेयर पे हम सेलेक्ट करेंगे। सो वी आर गेटिंग 250 मिली एम्पेयर, मीन्स वी कैन से दिस इज़ बेसिकली 0.25 एम्पेयर। ठीक हो गया, यही हमने कैलकुलेशन से किया था, 0.25 एम्पेयर ही हमारे पास लोड रेजिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा था बाय यूजिंग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, तो यही जो है हमारे पास करंट की वैल्यू आ रही थी। बट स्टिल अभी हमारी सिमुलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। वी विल अगेन ड्रॉ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एंड देन वी विल कंपेयर रिजल्ट्स ऑफ बोथ बोथ द सर्किट्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। एंड देन अभी हम एक और वोल्टेज सोर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं, डीसी पावर। ओके, सो वोल्टेज सोर्स नहीं चाहिए नॉर्टन थ्योरम के लिए हमें, वी नीड अ करंट सोर्स। सो यहाँ पे आए, सिग्नल करंट सोर्स पे आए और डीसी करंट पे आए। ठीक है, यहाँ से आएंगे प्लेस सोर्स में, प्लेस सोर्स पे आपने क्लिक किया, देन सिग्नल करंट सोर्स। ठीक है, सिग्नल करंट सोर्स से भी हम सिलेक्ट करेंगे डीसी करंट। ओके कर दें, ठीक है। एंड देन वी नीड टू रेजिस्टर्स हेयर, एक रेजिस्टर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, सॉरी सेलेक्ट कर लिया, और एक और रेजिस्टर में चाहिए, चलें इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो हमें दो ही रेजिस्टर रिक्वायर्ड थे, इसको रोटेट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, रोटेट 90 डिग्री क्लॉक वाइज, एंड देन जो है यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लें आप, देन इस पॉइंट को आप यहाँ पे कनेक्ट कर लें। वैल्यूज हम चेंज करते हैं इनकी, रोटेट 90 डिग्री करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद हम इस टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इस टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो लेवल दे रहे हैं वो लेवल चेंज कर लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू थी दैट वाज 10 ओहम, 10 ओहम हमने सेलेक्ट कर ली, और इसके लेवल को भी चेंज कर लेते हैं, आर एल कहेंगे। आर एल ऑलरेडी हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम आर एल वन कह देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मसला कर रहा है, आर एल वन इसको हमने कह दिया। और यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्टन रेजिस्टेंस आया था दैट वाज 13.33, और इसका जो लेवल था इस लेवल को हम चेंज करके नॉर्टन रेजिस्टेंस कर लेते हैं। ओके, और जो हमारे पास नॉर्टन करंट आया था, नॉर्टन करंट वास सॉरी नॉर्टन रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओहम है, तो नॉर्टन रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओहम है, तो इसको हम 10 ओहम कर लेते हैं। और जो नॉर्टन करंट है, नॉर्टन करंट इज 0.5 एम्पेयर, तो नॉर्टन करंट को हम 0.5 एम्पेयर करेंगे, 0.5 एम्पेयर। इसका लेवल भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं आई एन। नॉर्टन करंट, नॉर्टन करंट कनेक्टेड इन पैरेलल विथ नॉर्टन रेजिस्टर, एंड देन दोनों के जो पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है वो लोड रेजिस्टर को कनेक्ट किया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस लोड रेजिस्टर। So what we will do, we will just this disconnect these two terminals, और यहाँ पे हम मल्टीमीटर और एम मीटर एक कनेक्ट कर लेंगे। ओके, सो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एम मीटर विल बी कनेक्टेड हेयर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एम मीटर विल बी कनेक्टेड
ओवर हियर, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ फाइन, हमने वैल्यूज़ भी अपडेट कर ली, जो हमारी वैल्यूज़ थी उसी हिसाब से हमने वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे अपडेट कर ली है। यहाँ पे ग्राउंड हमने कनेक्ट नहीं किया, सो वी नीड अ ग्राउंड ओवर हेयर। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेते हैं इस ग्राउंड को, एंड देन जो है यहाँ पे हम ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं। सो सर्किट इज़ कंप्लीट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। अब जो है हम सिमुलेशन रन करते हैं, एंड सिमुलेशन रन करने के बाद वी नीड टू सी द करंट, डीसी करंट हमने देखना है। सो वी आर गेटिंग 250 मिली एम्पेयर, और वी कैन से दिस इज सेम एज 0.25 एम्पेयर। सो यहाँ पर भी देख लेते हैं। सो बोथ द एमीटर्स आर इंडिकेटिंग द सेम करंट्स, मीन्स द नॉर्टन थ्योरम इज़ वेरीफाइड, क्योंकि यही हमारा स्टेटमेंट थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर हम रिड्यूस करें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में, तो जो लोड रेजिस्टर से करंट फ्लो होगा दैट विल बी सेम। एक जो हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट रिड्यूस किया हुआ सर्किट है उसको कंपेयर करें अगर हमारे एक्चुअल सर्किट के साथ, तो दोनों में जो लोड रेजिस्टर है, लोड रेजिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के फ्लो होने की जो वैल्यू है दैट विल बी सेम। मींस अगर वैल्यूज सेम आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से चाहे आप कैलकुलेशन करें या एग्जैक्ट जो सर्किट है उससे कैलकुलेशन करें लोड करंट की, तो वैल्यू या आंसर हमारा सेम आएगा। जब वैल्यू या आंसर सेम आएगा मींस द नॉर्टन थ्योरम इज़ वेरीफाइड, हम नॉर्टन थ्योरम को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। मींस एग्जैक्ट जो सर्किट में वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर भी सेम आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्टन सर्किट, और नॉर्टन सर्किट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी हमने देखा। हम किसी भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मल्टी सिम पे, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज से ही मल्टी सिम को यूज़ कर रहे हैं, तो मल्टी सिम को ही हम इसलिए कंसिडर किया हमने मल्टी सिम को। तो अगर हम वैसे किसी भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे सिमुलेट करना चाहें सर्किट्स को सिमुलेट कर सकते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे भी सिमुलेट कर सकते हैं। सो नॉर्टन थ्योरम इज़ वेरीफाइड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।